एक सरफेस बनाते हैं जो डेटम पॉइंट और प्लेन और कॉपी क्लिपबोर्ड की मदद से बनाया गया है। ये देखते हैं कैसे बना हुआ। देखिए फ्रंट प्लेन देते हैं, स्केच। और इस तरह के हम डायमेंशन देते हैं। ओके, ठीक है, कर्व बन जाता है जो हमारा फ्रंट प्लेन से है। डेटम पॉइंट आते हैं विथ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इंटरसेक्शन विद दिस टॉप प्लेन। ओके, ये प्लेन लेते हैं और जिसे बोलते हैं टॉप प्लेन और स्केच करते हैं। स्केच करने के लिए हम इस प्लेन को हाइड करते हैं और रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं इस वाले पॉइंट को। रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। देखिए यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आ गया है। ओके, ओरिएंटेशन सामने रखना चाहते हैं और ये प्लेन को टॉप पर रखना चाहते हैं। देखते हैं हम स्प्लेन पर स्केच कर रहे हैं और विविंग डायरेक्शन फ्लिप कर रहे हैं। ओके, देखते हैं ओरिएंटेशन कैसा आ रहा है। सही आ रहा है, गलत आ रहा है? ये देखिए ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से हम ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मुताबिक। रेफरेंस पॉइंट आ जाते हैं, हमने पॉइंट हाइड कर दिया था। रेफरेंस पॉइंट ये पॉइंट को
Okay. अरेंज कर लेते हैं। डिस्टेंस को 1 2 0 रखें। डायमेंशन बिटवीन दिस दिस एंड दिस 90 डिग्री। सिमिलरली दिस दिस वन डिस्टेंस पर करेंगे 40 50 कुछ भी दस साल ओके इन दोनों स्केच और डेटम पॉइंट ये दोनों को हम ग्रुप कर लेते हैं। इस ग्रुप को कंट्रोल सी और कंट्रोल सी कर और इस पर कंट्रोल वी करेंगे और इस पर देखिए हमको इसका इस डेटा प्लेन प्लस इस पर सरफेस हमको इसी को चुनना है। इंटरेक्शन दिस साइड होना चाहिए। सर्च करते हैं ओके करते हैं आ गया मगर ये रिवर्स डायरेक्शन में आया है। तो इसको पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करके रोटेट रिसाइज करते हैं और इसको टर्न कर लेते हैं ओके करते हैं। और देखिए कौन सा ये पॉइंट इससे कंसाइड होना चाहिए और ये पॉइंट इससे कंसाइड होना चाहिए ओके। देखिए ये स्केच बन गया है ओके। इसके बाद प्लेन को रेफरेंस करके जो हमारा राइट प्लेन है एक प्लेन बनाते हैं ओके। प्लेन बनाते हैं सम डिस्टेंस पर ओके। अगेन प्लेन चूज करते हैं राइट प्लेन और डेटा पॉइंट कंट्रोल बटन दबाते हैं और इस कर्व को चूज करते हैं यहाँ गया। अगेन न्यू पॉइंट कंट्रोल बटन दिस प्लेन एंड कंट्रोल बटन दबा के दिस कर्व अगेन न्यू पॉइंट दिस प्लेन एंड कंट्रोल बटन दबा के दिस कर्व देखिए इस तरीके से तीन कर्व हमारे पास बन गए। स्केच करते हैं रेफरेंस पॉइंट का देखते हैं ये और
ये वाला यानी 4 5 6, 4 5 6 ओके। देखिए इतना रेफरेंस पॉइंट विजिबल हो रहा है। अगर इस लाइन लेते हैं और एक कर्व और बनाते हैं और इसको डायमेंशन देते हैं एज यूजुअल 90 डिग्री, ये स्केच और रिटर्न पॉइंट तीनों को ग्रुप करते हैं। अगेन प्लेन विजिबिलिटी ओपन करते हैं, कंट्रोल सी दबाते हैं, डेटा प्लेन टू लेते हैं और यहाँ पेस्ट ऑप्शन में देखिए पेस्ट द कंटेंट ऑफ द पीएफ बोर्ड पर क्लिक करते हैं। चूज करते हैं और क्लिक करते हैं, देखिए पॉइंट आ गया। फिर इसको इस पॉइंट को चूज करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके और अगेन ये चूज दिस प्लेन एंड दिस कर्व, इस पॉइंट को चूज करते हैं, इसको ऑल करते हैं दिस कर्व एंड दिस कर्व, ओके। रेफरेंस मांग रहा है कि कौन से रेफरेंस कर्व पर ये होना चाहिए। लेट्स सी रेफरेंस सरफेस, देखिए ये कर्व बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से अगेन कंट्रोल सी करते हैं और डेटम प्लेन 3 चूज करते हैं और उस पर पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिप बोर्ड पर क्लिक करते हैं। अगेन सेम प्रोसेस अपनाते हैं, हमारा प्लेन सेलेक्टेड है, इस कर्व को सेलेक्ट करते हैं, देखिए कौन मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अराउंड पॉइंट, ये दोनों रेफरेंसेस को रिमूव करेंगे, अगेन प्लेन को सेलेक्ट करेंगे एंड दिस कर्व, ओके। अगेन पॉइंट नंबर 12 में कर्व में सरफेस को रिमूव करेंगे, इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और ये वाला कर्व तीसरा वाला ओके कर देंगे और सरफेस को चुनना है कम। लेट मी चेक, देखिए इस तरीके से इस प्लेन को चूज करके बना लाते हैं। देखिए दोबारा ये कॉन्टेक्ट में आ जाता है ये सभी डेटा पॉइंट्स के, तो हमारा ये कर्व बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए इसके बाद हम बाउंड्री पॉइंट की हेल्प से सरफेस को बनाएंगे। ये देखिए सेकंड डायरेक्शन में दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके कर देंगे, तो देखिए बहुत ही बढ़िया सरफेस तैयार होता है। तो इस तरीके से हम प्लेन डेटम पॉइंट्स और कॉपी विथ क्लिपबोर्ड के थ्रू इस तरह का कर्व सरफेस बना सकते हैं।
मॉन्टी पायथन ब्लेंड की हेल्प के द्वारा लास्ट में। ओके,